हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है। कोहड़े का पत्ता यानी कि पम्पकिन लीफ आप जानते होंगे, मैं आज उसका सब्जी बनाऊंगी, और वो भी किस तरीके से, पेक्ची का पत्ते का जिस तरीके से सब्जी बनता है, जिसको गिरवच, रिगवच या फिर पकौड़े, अरबी के पकौड़े बोला जाता है, मैं उसी तरह सेम प्रोसेस है, बस यहाँ कोहड़े के पत्ते का बनाना है। ये भी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले बेसन, हल्दी और उसमें मसाले में जो भी डालूंगी वो मैं आपको वीडियो में स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा बर्तन लीजिए या फिर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लीजिए, मतलब स्लैब रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। फिर उसमें एक एक पत्ते को, मतलब बड़ा पत्ता को सेट करिए, फिर उसके ऊपर एक पत्ता सेट करिए और एक लेयर ये बेसन का दे दीजिए, फिर पत्ते डालिए, फिर एक लेयर बेसन का दे दीजिए। इसी तरह करते हुए आपको जितना मोटा बनाना है आप उस तरीके से बना लीजिए। मैं यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे 4 पीसेस बने हुए थे और मैं थोड़ा थोड़ा ही पत्ता डाल के बनाई थी, ज़्यादा पत्ता नहीं। आप लोग देख सकते हैं, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद इसको दोनों साइड से अंदर की तरफ पत्ते को घुसा देना है और किसी रस्सी की सहायता से, मतलब या सुई वाले जो धागे होते हैं ना, वो सिलाई वाले, वो वाले धागे ले सकते हैं या फिर ऊन, कुछ भी ले लीजिए और उसको अच्छे से लपेट दीजिए ताकि वो खुले नहीं, क्योंकि जब पानी में डाला जाता है तो इसका मुँह खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मुँह खुला हुआ है। अब मैं इसको घुसा दूँगी इसको, और उसके बाद इसमें धागे अच्छे से लपेट दूँगी और इसको मैं कढ़ाही में डालकर अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहेंगे तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं, बट बॉयल प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करिए और एक एक करके इसको पीसीज में काट कर फ्राई करने स्टार्ट कर दीजिए, वो भी गोल्डन फ्राई होने चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और उसके बाद एक एक करके फ्राई करके आप निकाल लीजिए। उसके बाद मसाले, जो फिर जो ग्रेवी के लिए मसाले बनाने हैं वो मैं मसाले मेंशन कर दूंगी आपको। फिर कढ़ाई गरम करिए, उसमें डालिए मेथी, मेथी आपका भुन जाएगा तो उसमें डालिएगा प्याज, प्याज डालने के बाद ये वाला मसाला उसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद मसाले को इतना भूनना है जब तक वो पूरे अच्छी तरीके से कढ़ाई को ना छोड़ दे, मतलब पूरा गोल्डन फ्राई होना चाहिए ये मसाला। आप जितने अच्छी तरीके से भूनेंगे आपका सब्जी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अच्छे से भून गया था मसाला। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। पानी में एक अच्छा बॉयल, मतलब एक अच्छा ग्रेवी के जैसा बॉयल आ जाएगा ना, मतलब पानी डाले और तुरंत पकौड़ी डाल देंगे ऐसा नहीं है, उसमें बॉयल आने दीजिए, ग्रेवी को थोड़ा थिक होने दीजिए, उसके बाद आप उसमें पीसेस डालिएगा। आप तुरंत में डाल देंगे कच्चे पानी, मतलब पानी ठंडा ही रहेगा उसमें डाले और पकौड़ी डाल देंगे तो आपका सब टूट जाएगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा खाने में भी नहीं लगेगा, इसलिए अच्छा ग्रेवी तैयार होगा। उसके बाद सारे पीसेस को डालना है और एक बॉयल, मतलब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ एक बॉयल ही आने दीजिएगा। उसके बाद गैस को बंद कर देना, क्योंकि ज़्यादा आप ओवर कुक करेंगे तो ये सारे के सारे टूट जाएंगे और दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।